लगता है विवादों का नरेंद्र मोदी के साथ चोली दामन का साथ है। तभी तो मोदी ने भले ही अभी सत्ता न संभाली हो, लेकिन विवाद उनके साथ जुड़ गया है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को न्योता भेजने का फैसला देश में एक बहस का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस जहां नवाज शरीफ को निमंत्रण देने को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर पाकिस्तान को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है, वहीं तमिलनाडु के राजनीतिक दलों को श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को आमंत्रण पर आपत्ति है। 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत सभी सार्क देशों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से अभी इस पर फैसला बाकी है। वी एक्सपेक्ट दैट द डायलॉग प्रोसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया विल रिज्यूम एंड इट विल बी मीनिंगफुल डायलॉग। It would be constructive dialogue. It would be dialogue with a view to resolving the outstanding disputes between our two countries. पाकिस्तान ने भले ही आने के बारे में अभी फैसला न किया हो, लेकिन बाकी सार्क देश जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों के नेता या उनके नुमाइंदे समारोह में शामिल हो रहे हैं। उधर शरीफ को बुलाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खुलकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्राई टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अटेम्प्टेड टू कैरी दैट प्रोसेस फॉरवर्ड, बट व्हेनेवर देयर वाज एन इनिशिएटिव देयर वाज क्रिटिसिज्म फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। सो देयरफॉर इट इज फॉर द भारतीय जनता पार्टी टू रियली इंट्रोस्पेक्ट एज टू वेदर टेरर एंड इन्विटेशंस कैन गो हैंड इन हैंड। नरेंद्र मोदी जी एक दूरदर्शी नेता है और उन्होंने पहले ही कहा था कि अटल जी के पदचिन्हों पर वो चलना चाहते हैं, और अटल जी ने कहा था कि आप मित्रों का चयन कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते। पड़ोसी पड़ोसी होता है, तो उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाना, और इसलिए उनके शपथ ग्रहण समारोह में अगर सभी पड़ोसियों को बुलाया है और सभी अगर आते हैं तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी। विरोध केवल शरीफ को लेकर ही नहीं है, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को लेकर तमिलनाडु के राजनीतिक दल खफा हैं। एनडीए घटक एमडीए के एक प्रमुख वाई को फैसले के खिलाफ हैं। एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता के साथ ही डीएमके ने भी फैसले का विरोध किया है। And human rights violations are occurring, and most of the countries of the world have criticized such activities. And the people of Tamil Nadu are charged with anger. He could have avoided. For the first time, he is becoming the prime minister, and he should have the wishes of the people of the all parts of India. सूत्रों का कहना है कि जे जयललिता इस फैसले की वजह से मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बना सकती हैं। वैसे ये पहली बार है जब एक भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी सरकारों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। मोदी के इस रुख से ऐसे संकेत मिलते हैं कि वह पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। राजनयिक हलकों में इस फैसले को सार्क को मजबूत करने की मोदी की पहल के रूप में माना जा रहा है। मोदी के कदम की कूटनीतिक जगत में भले ही सराहना हो रही है, लेकिन घरेलू मोर्चे पर इसे लेकर जरूर सियासत तेज हो गई है।